के अध्यक्ष, इनके सम्मान माला पहनाने हेतु मैं राजकीय माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक सॉरी प्रधानाचार्य महोदय मोटाराम जी को सर से निवेदन करता हूँ कि वो आगे आए और माला पहनाकर इनका स्वागत किया जाए। नंदू जी कुमार के स्वागत हेतु राजकीय ओम जी महाराज सर से निवेदन करता हूँ कि वो आगे आए और माला पहनाए। शेखर जी सारस्वत के स्वागत हेतु मुकेश जी सर सुखदेव जी के स्वागत हेतु रवि जी सर अनवर खान जी को स्वागत है तो मैं गिरिराज जी को आज के कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु मैं अब हरिराम जी चौधरी से निवेदन करूंगा कि वो आज का जो परिणाम है वो घोषित किया जाए। स्वागत में रतनलाल जी पटीदार का स्वागत है, नेम जी माला पहनाकर इनका स्वागत किया जाए, साथ ही राजेंद्र जी पीटिया जी सर का स्वागत है, ओम प्रकाश जी नागौर जिला स्तरीय अंतिम क्षण समापन समारोह एवं पारितोषिक वितरण। इस अवसर पर हमारे बीच आज के अतिथि के रूप में नेम जी पालड़िया बद्री जी शेखर जी जिनका हमें पूर्ण सहयोग मिलता है, हमेशा सारस्वत सुखदेव जी रामकिशोर जी हुकम सिंह जी अनवर जी रतनलाल जी पट्टीदार साहब और राजेंद्र जी निर्णायक मंडल के हमारे जितने भी अधिकारी निर्णायक मंडल के जितने भी सदस्य हैं इस राज टैगोर विद्यालय के निदेशक प्रधानाचार्य उनका स्टाफ बाहर से जितने भी अभिभावक आए हैं और विशेष तौर से जो इस प्रतियोगिता के कर्णधार हैं बालक एंड बालिका तीरंदाजों आप सबका मैं अमेरा जी सुनील जी जितने भी हमारे इस खेल जगत से जुड़े हुए आदमी हैं
उन सब का मैं नागौर जिला तीरंदाजी संघ की ओर से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरपा जगदर हैं, जायसे हैं, लेगाना कुचामण और जो परचम फेनर है के आगे जो सबसे शिरोमणि में है वो थामड़ा के बालक और बालिकाएं हैं जिनका पुणे में हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने आज के इस कंपटीशन को देखा, इस कंपटीशन में आपको देखने से ये विश्वास हुआ होगा कि हम जो भी निर्णय देते हैं बिल्कुल 100% जो बालक ने मेहनत की है, बालिका ने मेहनत की है, उसी के खाते में वो जाना चाहिए, वही हमने किया है। किसी भी प्रकार की कमी रहने की हमने पूरी कोशिश की है कि कोई कमी नहीं रहे। आगे भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं, अभिभावकों को विश्वास दिलाते हैं, सबको विश्वास दिलाते हैं कि नागौर जिला तीरंदाजी संघ की ओर से उसी को ही हक मिलेगा जो मेहनत करता है, जो अंक प्राप्त करता है, वही नेशनल स्टेट में वही जाएगा। यहाँ के तीन दो बालिकाएं और बालक सुरेंद्र ने जो नेशनल लेवल पर मेडल प्राप्त करके इस थावला का, नागौर जिला का, डिफेंस का, राजस्थान का भी नाम रोशन किया है, वास्तव में तारीफ के काबिल। हम यही चाहते हैं कि थावला से 50-60 लड़के लड़कियां भाग लेते हैं तो वो कहीं दूसरी जगह जाकर के उनको ये खर्च किराए के रूप में नहीं देना पड़े, यहीं अपने घर पे अपने मैदान पर अगर वो इस प्रतियोगिता को करा करके अपना अचीवमेंट दिखाएं तो ज़्यादा बेहतरीन होगा। सबको दिखाने में, सबको करने में, और यहाँ के जितने भी भामाशाह हैं, जितने भी पत्रकार हैं, उनसे मेरा निवेदन है, शेखर जी आप इसको अच्छी तरह से हाईलाइट करें। मैं आपको बताऊं कि राजस्थान लेवल पर जैसी सुविधाएं नहीं है, ऐसी सुविधाएं हम नागौर जिला स्तर पर देने की पूरी कोशिश करते हैं कि इन बालक और बालिकाएं ये जो जा रहे हैं इनको पूछ लो वास्तव में जो टारगेट कैसा होना चाहिए, वास्तव में फेस कैसा लगना चाहिए, उसी स्टैंडर्ड का फेस हम यहाँ लगाते हैं, उसी स्तर का फेस हम आपको यहाँ मुहैया कराने की कोशिश करते हैं, वरना एक ही फेस में पूरा टूर्नामेंट हो जाता है। लेकिन हम दूरी के मुताबिक फेस कैसे लगने चाहिए, अकॉर्डिंग रूल्स जो इंडिया तीरंदाजी के हैं वो हम यहाँ एडॉप्ट करते हैं नागौर जिले में। इस स्तर पर जब इनको पता लगता है कि मैं इस दूरी पर, इस फेस पर मैं कितना अचीवमेंट कर सकता हूँ, वो आपको दिखाने के लिए नागौर जिला का तीरंदाजी संघ और उसका पूरा परिवार, मैं पूरे परिवार से, मेरा जो हमारे साथ में जितने भी मेरे साथी है उनसे मेरा विशेष तौर से ये निवेदन है कि मेरी सख्ताई का मतलब ये है ये परिवार टूटे नहीं। जब सख्ताई नहीं होगी, एक के साथ मैं करूंगा ऐसा, दूसरे के साथ ऐसा करूंगा तो परिवार बिखर जाएगा, परिवार टूट जाएगा। इसलिए सख्ती का मतलब ये नहीं है, सख्ती का मतलब यह है कि हमारा जो परिवार है वो बिल्कुल एकजुट रहे, मजबूत रहे और इस नागौर जिले के बालक और बालिकाएँ आगे तक अपना परचम फहरा करें। मैं ज़्यादा दूसरी बातों में नहीं जा करके, बाहर से जो बच्चे आए हैं उनका आज का जो रिजल्ट है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और उनको मेडल पहनाने के लिए आज के मेहमान जो हमारे बीच पधारे हुए हैं